बारिश हो गई बारिश। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए दो लाइन लेकर के कि जीवन बिना सोचे समझे खुद को दोहराता है और आप जब तक सचेत नहीं होंगे तो ये एक पहिए की तरह दोहराता रहेगा। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। चलिए आइए मिलते हैं आगे। किचन में आ गई। दोस्तों आज बहुत तामझाम की चीज बना रही हूँ। देखिए क्या बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही है आलू की टिक्की बना रही हूँ। आलू की टिक्की, थोड़ा नमक, अरे खाली रगड़ा बनाने वाले थे लेकिन अब ना तो टमाटर है। अभी आ जाया है, देखते नहीं आया था ना, तो आपको पता है तभी आता था। काट रही हूँ पुदीने का पत्ता थोड़ा सा। थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती, बहुत जल्दी भाजी में छोला छौंक रही हूँ क्योंकि बनाने तो वाली थी रगड़ा, देख रहे हैं कि इसके लिए टमाटर नहीं उपलब्ध है। बिना टमाटर के बढ़िया नहीं हो पाएगा। बन जाता है ऐसा बात नहीं है लेकिन हमको दोपहर के लिए भी बनाना तो मसालेदार ही बना देना। नहीं ज़्यादा तो नहीं डालते टमाटर। कर नहीं सके वो मलाई वलाई नहीं कर सके। हम कहे इतना काम है इसमें, अभी बहुत ज्यादा काम इसमें। थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। अपने शौक से कुछ भी मसाले तो अपने शौक से डाल जाना पड़ता है। थोड़ा सा गोल मिर्च क्योंकि पीटा में मिर्चा कम है। सौंफ धनिया का थोड़ा सा पाउडर भुना हुआ इधर का। ये देखिए प्याज भुज गया है, लहसुन भी भुज गया है, ज्यादा ही भुज गया है। इसे डालें इसमें हो गया और इसमें थोड़ा काला नमक।
तो इसमें तो उसमें से हमको निकाल के चावल का आटा अंदर रखना है किसमें। तो देखिए एक पंथ दो काज हो रहा है, दोनों चार हाथ रहता ना तो चारों चलता, एक नहीं चलता चारों चलता, जैसे चार गैस का बर्नर आजकल हो जा रहा है तो चारों पे काम हो रहा है, बस वही हाल है अपना हम गृहणियों का भी। तो ये देखिए जो मैं आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ उसमें आलू तो रहेगा ही, बाकी पुदीना धनिया जो आपकी मर्जी डाल लीजिए, और काला नमक सादा नमक जीरा का पाउडर थोड़ा सा भुना, धनिया पाउडर भुना नहीं है तो ऐसे धनिया पाउडर, और भुना है तो भुना सौंफ भुना धनिया हमने डाला इसमें। ये डाल के इसमें थोड़ा दो तीन चम्मच चार चम्मच बाइंडिंग के लिए कुरकुरापन के लिए भी चावल का आटा, जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से, पहले ही ज्यादा मत मिला लीजिए, मिलाते समय देख लीजिए। फिर इसमें आपको आटे की और जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही बन गया है, इस तरह का आटे जैसा माड़ लेना है एकदम बस क्रस लेके तैयार। तो अब थोड़ी देर में इसको बनाते हैं, पहले ही इसका काम कर ले। नमक पड़ा है इसको थोड़ा खोलिए, तो अब इधर मेरा छोले का मसाला भी एकदम रेडी है, जलने को आ रहा है रेखा, एक पाँच दो काज करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, बोले ना चार हाथ रहता तो सही रहता, बस ऐसे सादा कम छाती में ज़्यादा कुछ काम नहीं। नमक सही है ना, कम है, थोड़ा अमचूर भी डाल देते हैं, और इसमें देखिए नींबू का रस भरना भूल गए, इसे हाथ लगाना पड़ेगा। तो इसमें नींबू का रस भूल गए थे तो फिर से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दें क्योंकि गाढ़ा बहुत हो जाता है। तो ये मेरा नहीं लगाती हूँ गला को बोल खाली खोलने देते हैं ना, और इसको नाम स्टिक चला दे। और इसको जब से तेल गर्म हो रहा है तब से टिक्की बना लेते हैं। नहीं चार ठो टिक्की बनाना इतना काम कर लिए, ज्यादा कट लिए ही नहीं थे ना, और एक आलू रख लिए। तो
कहाँ गया था? छोला भी मेरा खोल ही चुका है। बस एक खोला तेजी से। उसमें से वो दही का डिब्बा निकाल के एक कटोरी में थोड़ा सा दही निकाल के वो करो, जरा सा फेंट लो बीच में दूध वाले में। एक कटोरी में निकाल के थोड़ा सा दूध में डालना है। तो दोस्तों देखिए तेल हो गया है गरम, हमको उम्मीद है डाल के देखते हैं। चटनी भी निकालना है ना? हो रहा है ना उसमें? इसको धीमा कर दें, धीमी धीमे आंच पर इसको कर लें, तब तक हम इधर चाट की तैयारी कर लें। ये सब चीज़ में ना बस तैयारी बहुत जरूरी, बनती तो ठीक है जल्दी लेकिन बहुत सारी तैयारी बनती है। अभी के लिए होता है कि बस इतना सा करना है। कितनी अच्छी गुलाबी गुलाबी बन रही है। आपको इधर से बैक कैमरा से दिखलाती हूँ, देखिए अभी जिस तरह ये लाल हुई है ना ऐसी लाल करनी है। जरा जल्दी उल्टा गया है जल्दी। और ये छोला जी को बंद कर देते हैं क्योंकि ये फिर गाढ़ा हो गया। इतना ही बनाते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, उसमें से ढाई ढाई कर लेंगे काफी हो जाएगा। इसको बाद में फिर वही रगड़ा डाल के खाइए। रगड़ा ना छौंका हुआ नहीं रहता, बस यही रगड़ा। ये जो छौंका हुआ हम लोग बनाते हैं ना, ये मसालेदार हो गया। उस दिन नहीं रगड़ा खिलाए थे ब्रेड पे, वो छौंका रहता है उसमें वही टमाटर प्याज अदरक मिर्चा जो भी तुमको जितना चीज मसाला और डालना है, जितने मसाले हैं वो भी सब डाल के ऐसे ही मिला लिया जाता है, तेल मिला लिया जाता है बस। और रगड़ा तैयार, मतलब छौंकने का चक्कर नहीं लगता, बाकी सारी चीज वही रहती है। सब देखिए ये एकदम हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मीट टिक्की एकदम बन के तैयार है। कुरकुरी एकदम, चावल का आटा डालने से कुरकुरी होती है। अब मैं सर्व कर लेती हूँ। ये है पुदीना धनिया की चटनी, और ये है इमली की चटनी,
कामी को दोनों इसको ना उसी प्याज में रख दो, ठीक है, एक साइड में प्याज कर दो, दोनों जो कटा हुआ है ये इसको रख दो। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बस किचन में से अभी आ रही हूँ, तुरंत मैंने आप लोगों को दिखलाया और सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो ये मेरी बनी टिक्की जो मैंने वहां भी दिखलाया आप लोगों को, और ये इसकी पूरी तैयारी चाट की, दो दो टिक्की की चाट बनाई हूँ और आप सबको भी अभी खिलाती हूँ। पहले इनसे भी गुड मॉर्निंग कर लीजिए क्योंकि वो खाने के लिए बिल्कुल बेताब है, तो जल्दी से उनका गुड मॉर्निंग हो जाए। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया चीज बना है आज, इसलिए मन से खाने जा रहे हैं। और कल रात में थोड़ा बहुत पानी बरस गया, इसलिए मौसम भी थोड़ा सा अंतर है। धूप तो बहुत निकली है पर थोड़ा सा मौसम में अंतर है। बस भगवान जी जब अपना जलवा दिखाते हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले गरम गरम खाएं और भगवान करने से अच्छा है। ये देखिए, ये छोले के साथ खाइए, यम्मी यम्मी टिक्की। कहीं गरम तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, ठीक है। इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बड़ा टेस्ट है कि किसी को क्या वर्णन करें, मस्त लग रहा है। और पुदीने का जो टेस्ट आया है ना, एक तो चटनी में, दूसरा आलू में, बहुत बढ़िया। छोला बिल्कुल सादा है, बहुत ही मस्त चटनी, दही मीठी चटनी सब मिल के मस्त बनारस की चाट तैयार हुई है। पानी पीने पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मेहरा का फल मीठा होता है, मीठा नहीं चटपटा होता है, तो मेहनत का फल की हूँ तो मजा ले रही हूँ, इसका आनंद ले रही हूँ, आनंद दे रही हूँ। बहुत मेहनत लगी है, मेहनत ही लगी कि सारी तैयारी करने में बहुत मेहनत लग जाता है। प्याज काटो, ये काटो, अलग से ये करो, अलग से तैयारी करो, तो उसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दो तीन हैंड रहे तो मस्ती में सब काम हो सकता है। मिलके तो बहुत कुछ अच्छा होता है, साथी हाथ बढ़ाना, तो बस और क्या कहें। थोड़ा सा छोला और डाल लेती हूँ, कुछ तो इसलिए भी स्पेशल बनाती हूँ कि मुझे जो ब्लॉग बनाना है तो कुछ तो आना चाहिए ना उसमें सामने, आप लोग को भी देखने के लिए। ऐसे ही तो सादा सादा कुछ बना नहीं देंगे, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में स्पेशल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग भी इसको बना के कोई भी चीज़ बना के खाएं जो मैं बनाती रहती हूँ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या कभी डिनर हो, जो भी अच्छा बनता रहता है मैं आप लोग को जरूर दिखाती हूँ। तो बस इसलिए भी थोड़ा सा इच्छा रहता है कि और बनाए, ऐसा बनाए, वरना इतना गर्मी में किसी का मन नहीं करेगा, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, बट थोड़ा सा करने का चाहत भी रहता है, कर लेती हूँ। पर
बच्चे हमारे पास नहीं है, दूर है, बच्चा हमारा दूर है, तो लगता है कि हम खा रहे हैं उसे नहीं खिला पा रहे हैं। इस बात का तो मन में लगता ही है। जो लोग भी अपने बच्चों से दूर रहते होंगे वो इस बात को भली भांति समझते होंगे कि खाते समय माँ बाप को कैसा लगता है। बनाती तो बहुत उत्साह से हूँ, लेकिन बस यही सोच के कि बाद में लगता है कि काश वो भी होता, काश उससे भी खिला पाते, बेटे बहू दोनों को खिला पाते, दोनों इंजॉय करते, ऐसा इच्छा करता है। बट दूर रहना एक समस्या है फिलहाल, बस क्या करें, अपने ही बना बना के खाते हैं, पतिदेव जी को खिलाते हैं, मन खुश हो जाता है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज का मेरा टिक्की का चाट का प्रोग्राम कैसा रहा और कैसा लगा, प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर आए न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने से ऑल का ऑप्शन आता है, उसे भी क्लिक कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियोज आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और मेरा वीडियो प्लीज आगे बढ़ा कर ना देखें, फुल वॉच करें। तो बहुत बहुत आप लोगों को मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज के लिए फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राम।